नमस्कार दोस्तों, कक्षा 6 की भारत वंदना हमारी संस्कृत पीयूषम का पहला चैप्टर नहीं कहा जा सकता, हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि ये वंदना है जो हमारी मातृभूमि को समर्पित है, तो आज हम डीके मौर्य चैनल पर आज पहली बार ये पहली वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। हे मातृभूमि, आपको नमस्कार है। 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 तव गिरिभ्यो नमस्ते, नदीभ्यो नमः, तव वनेभ्यो नमो जनपदेभ्यो नमः। हे मातृभूमि, आपके पर्वतों, गिरिभ्यो माने पर्वतों को नमस्कार है, नदीभ्यो और नदियों को नमस्कार है। हे मातृभूमि, आपके पर्वतों को नमस्कार है और आपकी नदियों को नमस्कार है, आपके वनों को नमस्कार है और आपके जनपदों को नमस्कार है। तव कड़ेभ्यो नमस्ते, अड़ोभ्यो नमः, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। हे मातृभूमि, आपके कण कण को नमस्कार है, आपके अणु को भी नमस्कार है। हे मातृभूमि, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। प्राण दे, प्राण देने, प्राण दे, त्राण दे, देवी शक्ति प्रदे, रिद्धि दे, सिद्धि दे, भुक्ति मुक्ति प्रदे, सर्वदे सर्वदा देवी तुभ्यं नमः। मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। प्राण दे, प्राण दे माने प्राण देने वाली, त्राण दे तारने वाली, देवी शक्ति प्रदे और शक्ति को प्रदान करने वाली, रिद्धि दे रिद्धि यानी संपन्नता देने वाली, सिद्धि सिद्धि देने वाली मतलब शक्ति को प्रदान करने वाली, भुक्ति मुक्ति प्रदे माने भुक्ति माने भोग, मुक्ति माने मोक्ष को प्रदान करने वाली, सर्वदे सब कुछ देने वाली, सर्वदा हमेशा देने वाली, देवी तुभ्यम नमः। हम अपनी अपनी मातृभूमि को देवी समान मानते हैं, अपनी अपनी भूमि को भारत माँ की भूमि कहते हैं, इसलिए हम इसके लिए देवी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। प्राण देने वाली और तारने वाली, शक्ति प्रदान करने वाली, संपन्नता देने वाली, शक्ति देने वाली, भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली, हे देवी सब कुछ देने वाली और हमेशा देने वाली, हे मातृभूमि, हे देवी आपको नमस्कार है। मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। हे मातृभूमि, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हमारे चैप्टर में एक छोटा सा श्लोक और दिया हुआ है जिसको हमें याद रखना चाहिए। प्रभो हम सदा सत्यवादी भवेयम, प्रभो नैव स्वप्नेऽपि मिथ्यावदेयम्, भवेयम् सदा लोककल्याणकारी, भवेयम् जगद्दुःखदैन्योपहारी। हर छात्र के, हर व्यक्ति के, हर एक बालक के मन में ये ख्याल होना चाहिए और उसे हमेशा याद रखना चाहिए और उसे हमेशा मन में यही प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से कि हे प्रभु, हमें हमेशा सत्यवाद, हम हमेशा सत्यवादी होवें। प्रभु माने हे प्रभु, अहम माने मैं, सदा माने हमेशा, सत्यवादी मतलब सत्य बोलने वाला, भवे माने हूँ। हे प्रभु, मैं सदा सत्यवादी हूँ, हमेशा सत्य बोलूँ। प्रभु ना ही, हे प्रभु सपने में भी मैं झूठ ना बोलूँ। भवेयम सदा लोक कल्याणहारी,
हमेशा संसार का कल्याण ही करूं, हमेशा इस संसार का दुख का उपहार ही करूं, मतलब उसका हरण ही करूं, मतलब हे प्रभु मैं हमेशा सत्यवादी हूं, मैं सपने में भी कभी झूठ ना बोलूं, मैं हमेशा लोक का कल्याण करने वाला हूं और इस संसार के दुख और दीनता का हमेशा हरण करने वाला हूं। प्रभो हम सदा मातृभक्तो भवेयम, प्रभो अहम सदा पितृभक्तो भवेयम, प्रभो हम सदा सदोचार्य भक्तो भवेयम, प्रभो हम सदा देश भक्तो भवेयम। हे प्रभु सदा मातृभक्त हूँ, मतलब हे प्रभु मैं हमेशा अपनी माता की भक्ति करूँ, हे प्रभु मैं सदा अपने पितृ की भक्ति करूँ, पितृ भक्तो माने पिता की भक्ति। प्रभो हम सदा सदोचार्य भक्तो भवेयम, हे प्रभु मैं हमेशा सदाचार्य का भक्त हूँ, दुराचार्य का नहीं, हमेशा सदाचार का। प्रभो हम सदा देश भक्तो भवेयम, हे प्रभु मैं हमेशा देशभक्त रहूं, आपसे मेरी यही कामना है। दोस्तों अगर आप एक अध्यापक हो, पढ़ाने वाले हो, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोज़ आएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ बच्चों, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसमें अपने डाउट शेयर कर सकते हो।